हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए सीखते हैं कि हम एक्सटेंडेड ACLs कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को राउटर्स के ऊपर। तो एक्सटेंडेड ACLs जो होती हैं वो हमेशा अप्लाई होती हैं नियर टू सोर्स। एक्सटेंडेड ACLs सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को यूज़ करती हैं और इनसे हम नेटवर्क या होस्ट को तो बंद कर ही सकते हैं जैसे हम स्टैंडर्ड ACL में कर सकते हैं, साथ में हम कई तरह की सर्विसेज को भी इसके थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए हम एक टास्क कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमारा एक टास्क है कि हम राउटर 3 के ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर इस पीसी से उसको एक्सेस करके देखेंगे और आफ्टर दैट हम इस टेलनेट को इस पीसी से ब्लॉक करके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस राउटर पर चलते हैं और इसके ऊपर जाके एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइन VTY 0 to 15, उसके बाद पासवर्ड सेट करेंगे और लॉगिन लिखेंगे जिससे कि लॉगिन के समय ये पासवर्ड पूछा जाए। एग्जिट करेंगे और एनेबल मोड का पासवर्ड भी सेट करेंगे क्योंकि बिना एनेबल मोड पासवर्ड के टेलनेट हमारा वर्क नहीं करता है, वो मुझको कॉन्फ़िगरेशन मोड में या एनेबल मोड में नहीं जाने देता है। तो मैं टेलनेट सीक्रेट कुछ भी पासवर्ड रख सकता हूँ यहाँ पे। इतना होने के बाद अब हम इसको यूज़ करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस राउटर का मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है, जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, एड इज 192.168.3.1 और 20.0.0.2। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से, तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं इसको देखता हूँ कि टेलनेट होता है कि नहीं। तो इसको रिमोटली एक्सेस करते हैं, पीसी पे चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और इसको टेलनेट लिखते हैं। टेलनेट कोई भी आईपी एड्रेस दोनों में से 20.0.0.2। तो पासवर्ड पूछ रहा है CCNA राउटर 3 पे, एनेबल मोड पासवर्ड CCNP। तो मैं यहाँ पर पहुँच गया हमारे राउटर 3 के ऊपर। तो हमारा टेलनेट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब हम इसको एक्सेस कंट्रोल इसके थ्रू, इसको एक्सटेंडेड ACL के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए दोबारा से हम राउटर के ऊपर जाएंगे, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा चेंज है कि जो एक्सटेंडेड कंट्रोल लिस्ट है वो नियर टू सोर्स लगती है। अगर मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क को का मैं टेलनेट का एक्सेस कंट्रोल कर लूं तो मुझे इसको इस राउटर पर कन्फिगर करनी पड़ेगा और इसको नियरेस्ट इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो फास्ट एथरनेट इंटरफेस है। तो इस राउटर पर चलता हूँ और इसमें भी एनेबल मोड में जाके शो आईपी इंटरफेस कमांड से इंटरफेसेस चेक कर लेता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखिए आपको, तो इंटरफेस पे देखते हैं क्या आईपी एड्रेसेस हैं। आफ्टर डैट मेरा 10.0.0.1 और 192.168 दो इंटरफेसेस हैं जो कॉन्फ़िगर्ड हैं। अब मैं एक्सेस लिस्ट लगाता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके मैं कमांड लिखता हूं एक्सेस लिस्ट ? तो देखिए यहां पे एक्सटेंडेड लिस्ट हमारी 100 से स्टार्ट होती है, तो एक्सेस लिस्ट 100, 101, कुछ भी 199 तक लगा सकता हूँ। उसके बाद आप deny permit जो भी स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं, आपको मैं हेल्प लेके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे deny permit या remark, अगर आप फ्यूचर यूज में कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं जिससे आपकी हेल्पफुल हो कि आप देख पाए कि एक्सेस लिस्ट किसके लिए है, तो आप रिमार्क भी यूज कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं deny। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर होस्ट को ब्लॉक करूँ टेलनेट करने से, तो मुझे उस होस्ट का एड्रेस यहाँ पे कन्फिगर करना पड़ेगा इस कमांड से deny। इससे आगे मुझे पोर्ट नंबर अपना प्रोटोकॉल लगाना है कि TCP या IP क्या मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, किस चीज़ का ट्रैफिक मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TCP, उसके बाद मैं होस्ट लिख सकता हूँ या पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर सकता हूँ। तो अगर होस्ट ब्लॉक करना है तो उसके लिए IP एड्रेस डालना पड़ेगा 192.168.1.2, अगर मैं 2 को सिर्फ ब्लॉक करना चाहता हूँ। अगर मैं पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना चाहता हूँ तो मुझे नेटवर्क एड्रेस विद वाइल्ड कार्ड मास्क, यानी कि 0.0.255 विच इज इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क, ये डालना पड़ेगा। चलिए चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, केवल एक होस्ट को ब्लॉक करते हैं ताकि दूसरे होस्ट से उसको एक्सेस करके देख सकें। तो होस्ट
192.168.1.2 और कहाँ पहुंचने से इसको रोकना है, तो होस्ट डेस्टिनेशन एड्रेस 20.0.0.2 और इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप प्रोटोकॉल्स जो सर्विसेज हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं उनके पोर्ट नंबर से। तो यहाँ पे आप इक्वल टू डाल सकते हैं, ग्रेटर देन डाल सकते हैं, लेस देन डाल सकते हैं, नॉट इक्वल टू, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो हम इक्वल टू लिखते हैं, एक प्रोटोकॉल एक सर्विस हमें बंद करनी है और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पैकेट ट्रेसर में 4-5 ऑप्शंस हैं जिनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम टेलनेट ब्लॉक करना चाहते हैं, तो चाहे टेलनेट लिख दें या फिर उसका पोर्ट दे दें जैसे कि 23। इतना होने के बाद एक्चुअली में इस राउटर के ऊपर दो इंटरफेसेज हैं, अगर मैं इसको यहां से ब्लॉक कर दूंगा तो ये तब भी मैं इस इंटरफेस पे के थ्रू इसको टेलनेट पे एक्सेस कर सकता हूं। तो मुझे एक और कमांड यहां लगानी पड़ेगी जो कि है एक्सेस लिस्ट, उसका नंबर सेम देना है डेनाय और 20.0.0.2 यानी कि दूसरा इंटरफेस भी इसका बंद हो जाए, सॉरी डेनाय टीसीपी होस्ट 192.168 सोर्स का एड्रेस जिसको ब्लॉक करना है, जिसे जिस जहां पहुंचने से उसको डिनाय करना है उसका एड्रेस यानी कि होस्ट 192.168.3.1 और उसके बाद अगेन इक्वल टू, इस बार मैं टेलनेट आपको लिख देता हूं ताकि हम मैं दिखा सकूं कि हम इसको नाम से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आपको पहले भी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में बताया था लास्ट वीडियो में कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लास्ट में एक एक्सप्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट होती है, तो अगर एक परमिट कंडीशन में यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो मेरा सारा का सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए मैं लिखता हूँ एक्सेस लिस्ट नंबर सेम 100, उसके बाद परमिट, इस बार क्योंकि मैंने एक पोर्ट टीसीपी का ब्लॉक कर दिया विच इज 23, तो मैं बाकी का सारा आईपी ट्रैफिक अलाउ करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ परमिट आईपी एनी फॉर द सोर्स एंड एनी फॉर द डेस्टिनेशन। तो एनी एनी दो बार आएगा, फर्स्ट सोर्स के लिए यानी कि कहीं से भी ट्रैफिक हो और कहीं के लिए भी हो किसी भी पोर्ट के लिए, तो वो सारा का सारा अलाउड हो जाए, परमिट हो जाए। इस एक्सेस लिस्ट को शो करने के लिए कमांड है डू शो एक्सेस लिस्ट, तो आपको दिख जाएगा कि ये एक्सेस लिस्ट लगी हुई है और दोनों टेलनेट के लिए लगी हुई है और एक परमिट एनी एनी, तो इसको अप्लाई करते हैं नियरेस्ट टू सोर्स यानी कि फास्ट एथरनेट इंटरफेस के ऊपर। तो मैं जाता हूं इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0 पे और यहां पे एक कॉन्फ़िगरेशन इस यहां पे कमांड देता हूं आईपी एक्सेस ग्रुप, ग्रुप के बाद लिस्ट का नंबर आ जाएगा क्योंकि ये तीनों कमांड्स 100 से आइडेंटिफाई हो रही हैं, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप है। और उसके बाद ये पैकेट इनबाउंड में लगाना है, ये लिस्ट इनबाउंड में लगानी है या आउटबाउंड में लगानी है ये आपको बताना है। इनबाउंड का मतलब है पैकेट जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा राउटर में उस समय इसकी फिल्टरिंग हो जाएगी, और आउटबाउंड का मतलब है कि जैसे ही वो यहाँ से निकलने लगेगा तो उसकी फिल्टरिंग होगी। तो इसको इनबाउंड फॉर्मेट में लगाते हैं ताकि पैकेट जैसे ही एंटर हो उसकी फिल्टरिंग हो जाए। इतना होने के बाद इसको चेक कर लेते हैं उसी पीसी से जहां से हमने पहले टेलनेट एक्सेस किया था, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। तो देखिए कुछ वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वहां से कनेक्टिविटी इसकी ब्रेक हो गई है। तो देखिए कनेक्शन टाइम आउट हो गया है, दोबारा से कोशिश करते हैं इसको टेलनेट बनाने की। तो देखिए इसको ट्राई कर रहा है और थोड़ी देर बाद हमें एक एरर मैसेज दे देगा, ये कनेक्शन टाइम आउट, रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। वो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहां से पिंग करवा के देखते हैं क्योंकि हमने कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं किया है। पिंग करवा के देखते हैं 20.0.0.2 को, तो कम्युनिकेशन बना हुआ है और उससे आगे भी अगर हम इस थर्ड रेड नेटवर्क में जाना चाहेंगे यहां भी हम जा सकते हैं विद यहां भी कम्युनिकेट करवा के देखते हैं 3.3 को। देखिए आप, लेकिन अगर मैं इसको टेलनेट करना चाह रहा हूं तो टेलनेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने फॉर टेस्टिंग पर्पसेस केवल एक होस्ट के लिए बंद किया था, तो सेकंड होस्ट पे जाते हैं और यहां से टेलनेट करके देखते हैं टेलनेट और डेस्टिनेशन का एड्रेस, सॉरी पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड लगाया एनेबल मोड का पासवर्ड और मैं पहुंच गया राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो देखिए
ये था कि हम टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और टेलनेट का एक्सेस कैसे हम डिनाई कर सकते हैं पर्टिकुलर होस्ट को या फिर पूरे नेटवर्क को। तो थोड़ा सा कमांड में चेंजेस के बाद हम पूरे नेटवर्क पे भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटेंडेड ACL। थैंक्स फॉर लिसनिंग।